कि मुफ्त सुविधाओं के वादे कितने सही होते हैं कितने गलत, इस पर विचार करने के लिए एक पैनल बनाया जाना। अच्छा, अब आप सोचो कि जनता के टैक्स से उसके लिए बेसिक सुविधाएं दी जानी चाहिए या वोट बैंक के हिसाब से टैक्स के पैसे का फ्री की योजनाओं पर गलत इस्तेमाल के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर इस पेंशन को पाने के लिए ज्यादातर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर कोई भी सामान डिस्काउंट और फ्री में मिलेगा तो उसे हर कोई लेना चाहेगा। डिस्काउंट और फ्री में सामान केवल दो ही समय पर मिलते हैं, एक जब कोई त्यौहार आने वाला होता है तब, और दूसरा जब चुनावी माहौल होता है तब। चुनावी माहौल में जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं इनके वादों का माहौल अभी भी इतना गर्म है कि पार्टियों की जुबानी वादे का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि मुफ्त सुविधाओं के वादे कितने सही होते हैं कितने गलत, इस पर विचार करने के लिए एक पैनल बनाया जाना चाहिए। एक चीज जानकर आपको हैरानी होगी कि फ्री सुविधाओं का हल्ला भले ही भारत में ज्यादा हो लेकिन इस मामले में यूरोपियन कंट्री भी हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और फ्यूल पर सब्सिडी पर सबसे ज्यादा शोर है, जबकि फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क जैसे कई कंट्री है जहाँ पर एजुकेशन और इलाज बिल्कुल मुफ्त है, यानी एक नॉर्मल सर्दी जुकाम से लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे खर्चीले इलाज तक सब कुछ मुफ्त। एजुकेशन भी बिना किसी भेदभाव के नर्सरी से लेकर पीएचडी तक बिल्कुल फ्री है। कई यूरोपियन कंट्री रूम का रेंट देने के लिए फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं और अमेरिका में नौकरी जाने पर सोशल सिक्योरिटी अलाउंस का प्रोविजन भी है। अच्छा, अब आप सोचो कि जनता के टैक्स से उसके लिए बेसिक सुविधाएं दी जानी चाहिए या वोट बैंक के हिसाब से टैक्स के पैसे का फ्री की योजनाओं पर गलत इस्तेमाल हो। अब एक चीज जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह दूसरे देश फ्री सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं और किस तरह भारत में फ्री सुविधाएं राज्यों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन गई हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। यूरोप में कई कंट्री ऐसे हैं जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और जर्मनी जैसे कई यूरोपियन कंट्री शामिल हैं। यूरोप के फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम पूरे दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। फिनलैंड में हर व्यक्ति के लिए एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। कोई भी व्यक्ति जितनी चाहे उतनी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। नर्सरी से लेकर पीएचडी तक एजुकेशन का कोई शुल्क नहीं है। संस्थान चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो कोई भी फी नहीं लेता और यह सुविधा सिर्फ फिनलैंड के नागरिकों के लिए नहीं है बल्कि बाहर से आने वाले नागरिकों के लिए भी एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। और हमारे इंडिया में क्या स्थिति है? इंडिया में फ्री एजुकेशन सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में है। 2020 और 21 के रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 10,32,000 स्कूल सिर्फ सरकारी हैं, जिनमें पढ़ने के लिए 12 करोड़ 20 लाख स्टूडेंट ही जाते हैं। अगर कुल मिला के एवरेज पकड़ा जाए तो इन सरकारी स्कूलों में एक स्कूल में करीब 118 से 120 छात्र ही पढ़ने के लिए जाते हैं। और ज़्यादातर सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई खंडार है। और इन स्कूलों में करीब 2-3 टीचर होते हैं जो पूरे स्कूल को चलाते हैं और इस गैप को पूरा करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन बहुत ही महंगा है। सेकंड बात करते हैं हेल्थ की। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो फ्री में इलाज करते हैं, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कुवैत, बहरीन ऐसे बहुत सारे कंट्री शामिल हैं जो अपने सिटीजन का इलाज फ्री में करती हैं। यूके में हेल्थ सुविधाएं नेशनल हेल्थ सर्विस देती है जिसे पूरे दुनिया के लिए एग्जाम्पल माना जाता है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री नहीं है। सरकारी अस्पतालों में खर्च कम जरूर है लेकिन इसकी वजह से यहां पर भीड़ ज़्यादा और सुविधाएं कम है। सरकार आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देती है। तीसरा बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन यानी बेरोजगारी भत्ता के बारे में। स्वीडन, डेनमार्क, यूके और यूएसए जैसी कुछ कंट्री हैं जो बेरोजगारी भत्ता भी प्रोवाइड करती हैं। डेनमार्क में नौकरी जाने पर 2 साल तक पेंशन सरकार देती है। पेंशन के तौर पर अंतिम सैलरी का 90% हिस्सा मिलता है। यूके में अगर नौकरी चली जाए तो 6 महीने का पेंशन सरकार देती है। स्वीडन में कोई भी व्यक्ति 5 साल नौकरी करता है तो वह पेंशन पाता है। यूएसए में बेरोजगारों को नौकरी ना मिलने तक पेंशन मिलता है। अगर यही चीज इंडिया के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर इस पेंशन को पाने के लिए ज्यादातर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अमेरिका में जरूरतमंद परिवार को अस्थायी सहायता भी मिलती है। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से बेरोजगारी पेंशन प्रोवाइड करती है। हैंडीकैप, विडो और सीनियर सिटीजन को भी पेंशन मिलते हैं। यह सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग डिसाइड किया जाता है।
यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में पेंशन मिलती है, हर प्राइवेट जॉब में नहीं। अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। यूरोपियन कंट्री में टैक्स बहुत ज़्यादा है और उनकी सुविधाओं की बेहतर क्वालिटी है। फिनलैंड, जर्मनी और स्वीडन में इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है। इनकम का 50% से ज़्यादा हिस्सा इनकम टैक्स में जाता है। इन देशों ने टैक्स के अमाउंट से यहाँ की सुविधाओं को बेहतर बनाया है और इसी वजह से यहाँ के नागरिक ज़्यादा टैक्स देकर भी खुश रहते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। यहाँ टैक्स तो लेते हैं मगर इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा रहता है और टैक्स की वजह से बड़े बड़े स्कैम। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझे होंगे। अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।